लिक्विड लिपस्टिक बहुत ड्राई हो जाती है, ग्रेनी हो जाती है, पैची हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो स्पेशली विंटर्स में ड्राई लिप्स पे कभी भी लिक्विड लिपस्टिक मत लगाइए। कोई भी लिप बाम या वैसलीन लेके अपने लिप्स पे अच्छे से लगाइए, ड्राई टिश्यू लेके अच्छे से डैब करिए ताकि लिप बाम या वैसलीन बिल्कुल भी आपके होंठों पे ना रहे। अब आती है मेन ट्रिक। जब आप लिक्विड लिपस्टिक लेते हैं तो उसकी वॉन्ड पे बहुत सारा लिक्विड लिपस्टिक होता है। इस वॉन्ड पे जितना प्रोडक्ट है आप अपनी बॉटल की जो ओपनिंग है उस पे सारी तरफ से उतार देंगे। अब आपकी वॉन्ड पे बिल्कुल ठीक अमाउंट की लिपस्टिक है अपर और लोअर लिप्स पे लगाने के लिए। गलती यही होती है कि हमारी वॉन्ड पे जितनी लिपस्टिक आती है हम सारी की सारी अपने लिप्स पे लगा देते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लिप्स पे लग जाता है जो बहुत ज्यादा ड्राई, पैची और ग्रेनी फील करता है। दूसरी गलती, हम क्या करते हैं लिक्विड लिपस्टिक लगाते ही डैब करने लगते हैं जैसे हम क्रीम लिपस्टिक के साथ करते हैं। ये आपने कभी भी नहीं करना है। जब तक आपके लिपस्टिक फुली ड्राई नहीं होती आपने उसको टच भी नहीं करना है और ना डैब करना है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस मेथड एंड होपफुली मैट लिक्विड लिपस्टिक लगा के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बी इट एनी ब्रांड।